Hello and welcome you all to this e-learning platform of Padlo India and I am Dimple your physics mentor. आज हम पढ़ने वाले हैं part 2 chapter जो हम पढ़ रहे थे chapter 5 जिसमें हमने पढ़ा magnetism and matter. आज हम पढ़ने वाले हैं कि different materials में अगर मैं magnetic field intensity को vary करूँ तो different types of material बनते हैं और उनसे जो है वो different properties हमें देखने को मिलती है. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ magnetization की. मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटाइजेशन की कितना ज्यादा, जैसे अगर हमने पढ़ा था कि जो डाइपोल है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक डाइपोल है ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड. इस इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक डाइपोल मूवमेंट होता है. और अगर मैं किसी मटेरियल की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपना डाइपोल मूवमेंट होता है. तो वो डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या करता है, अलाइन होता है. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल पर, अगर हम यह मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल को रखें तो ये डाइपोल मोमेंट जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंक्लाइन होते हैं या फिर उसके ऑपोजिट इंक्लाइन होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है मटेरियल का. वो मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसके इक्वल होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है. तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो किसी भी एक छोटे वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जो मैग्नेटिक मोमेंट इस छोटे से वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमें क्या बताता है, मैग्नेटाइजेशन, कि कितना मैग्नेटाइज हुआ है हमारा मटेरियल. और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर. इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर. देखो अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो जब हमने सोलेनॉइड का देखा था तो सोलेनॉइड में जब हमने इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो वो क्या आया था, म्यू नॉट एन आई, जहां पर हमारा एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारा आई क्या है, करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई जब ये खाली है इसका कोर. लेकिन अगर मैं इस कोर में कुछ भर दूं, सपोज मैंने यहां पर भर दिया सॉफ्ट आयरन, क्या भर दिया, सॉफ्ट आयरन भर दिया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ बढ़ जाएगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये सपोज ये बी नॉट है मेरा, तो ये बी नॉट जो है वो बढ़ के बी एम हो जाएगा. तो ये बी एम किसकी वजह से आया, इस सॉफ्ट आयरन की वजह से क्या आया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, बी एम. तो मेरा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सोलेनोइड का वो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो किसकी वजह से आया, खाली सिर्फ कॉयल में करंट मूव करने की वजह से आया. और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, वो जो मैंने मटेरियल डाला अंदर, जो मैंने मटेरियल सॉफ्ट आयरन सपोज डाला, उस मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनोइड का क्या हो जाएगा, B नॉट प्लस बी एम. और ये बी एम जो मेरा मटेरियल की वजह से जो आया, ये क्या होगा, B नॉट M. ये किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल पे. किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटाइजेशन में, कि कितना मैग्नेटाइज हो रहा है वो मटेरियल, उस पे ये डिपेंड करेगा. ठीक है, अब मैं एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करती हूँ जो होता है H. ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, H. तो ये क्या होता है, H हमारा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M प्लस म्यू नॉट H. ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब B होता है मेरा म्यू नॉट H प्लस M. तो अगर मैं H की वैल्यू निकालू तो H होगा B अपॉन म्यू नॉट माइनस M. H क्या है मेरा, B प्लस B अपॉन म्यू नॉट माइनस M. तो ये क्या हुआ हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, एक एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमारा H आया. एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारा H आया. और इंटरनली, इंटरनल फैक्टर क्या होगा हमारा, M. इंटरनल फैक्टर मतलब कि जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा मेरा, M. और एक्सटर्नल जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उससे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो इंटेंसिटी क्या होगी, H. तो इसका मतलब मेरा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो दो तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी कि B प्लस H, यानी कि सॉरी M प्लस H. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एम प्लस एच, या फिर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम, जहां पर हमारा एच जो है वो क्या है, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम.
और हमारा जो ये मैग्नेटाइजेशन है, ये जो हमारा इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है या फिर एम की बात कर रही हूँ, ये एम जो है ये भी डिपेंड करता है किस पर, एच पर। ये कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एम इज इक्वल्स टू काय एच। ये जो काय है ये होता है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है ये हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है हमारा M इज इक्वल्स टू काय एच, यानी कि ये जो काय है ये होता है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मटेरियल जो है वो ससेप्टिबल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से ले जाने के लिए या फिर नहीं ले जाने के लिए। तो अगर मैं B की बात करूं तो B इज इक्वल्स टू म्यूनोट एच प्लस एम होता है, तो B इज इक्वल्स टू म्यूनोट वन प्लस काय एच। तो B इज इक्वल्स टू बी म्यूनोट म्यू आर एच, तो B इज इक्वल्स टू म्यू एच। ये जो म्यू आर है वो क्या है, वन प्लस काय। म्यू आर क्या है, वन प्लस काय। ये क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो ये क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करती है। और ये तीन जो क्वांटिटी है म्यू आर काय और म्यू नोट, ये तीनों जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। तो म्यू नोट म्यू आर क्या है हमारा म्यू। तो ये मेरा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो अब हम इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि मटेरियल में कैसे कैसे हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो वेरी होती है, और उससे हमारे पता चलता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये हमने नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एटम मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे काम करता है, जिसमें हमने निकाला था इसका बोहर मैग्नेटॉन निकाला था, जहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था हमने NEH अपॉन 4 पाई एम। ये क्या होता है, इसमें हम इसको हम लिखते हैं एम इज इक्वल्स टू एन म्यू बी। ये म्यू बी क्या है हमारा, बोहर मैग्नेटॉन। इस म्यू बी की वैल्यू क्या होगी, EH अपॉन 4 पाई एम। और इसकी वैल्यू क्या है न्यूमेरिकली 9.27 इंटू 10 टू द माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बात करी कि जो हमारा म्यू आर था वो क्या है, वन प्लस काय आया। ये म्यू आर जो है क्या है, रिलेटिव परमीएबिलिटी है। क्या है ये, रिलेटिव परमीएबिलिटी। अब ये रिलेटिव परमीएबिलिटी क्या होता है, ये होती है एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू परमिट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास होंगी कि नहीं होंगी। ये क्या है, एबिलिटी परमिट करने के लिए, जैसे परमिट होता है ना पास, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमें पास चाहिए होता है, परमिट चाहिए होता है। तो वो परमिट ये देता है मटेरियल के लिए, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी देता है कि मटीरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी कि नहीं होंगी और कितनी होंगी। और ये हमने निकाला म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। तो इसका मतलब जो हमारा म्यू आर है वो क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी या फिर बी अपॉन बी नॉट। ये बी नॉट क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन वैक्यूम पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम, और ये है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन एयर या फिर कहीं मटीरियल, किसी मटीरियल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, ये क्या है वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है। ये म्यू जो है ये है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मटेरियल का, और यह है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम का, और इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ये क्या है, नो डायमेंशन या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और म्यू आर जो होता है वो वन होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और ये क्या है हमारा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, किसके लिए, परमिएबिलिटी होती है, क्योंकि ये बताती है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मटेरियल के पास रखा है या उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उससे क्रॉस होगी।
अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर H की, किसकी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो जो हमने H डिफाइन करा था ये होता है कि कितने डिग्री, क्या डिग्री है या क्या एक्सटेंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। तो क्या इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी या फिर कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज द मटेरियल, एक मटेरियल को किस एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है वो कितने एक्सटेंट तक उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, वो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर H। तो H क्या है हमारा, B अपॉन म्यू, जहां पर हमारा H जो है वो Ni भी है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी SI यूनिट क्या है हमारी, एम्पियर पर मीटर। H की और M की दोनों की SI यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, दोनों ही सेम क्वांटिटी सेम डायमेंशन के हैं, तो एम्पियर पर मीटर जो है वो इनकी क्या है, SI यूनिट है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो कैसे डिफाइन होता है, कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर हमारा एम आई एच, या फिर इसको हम बोलते हैं एच। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने क्या कहा था, म्यू आर इज इक्वल्स टू वन प्लस काय, जहां पर काय जो है वो मेरा क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है कि क्या रेशियो है मैग्नेटाइजेशन का जो मटेरियल में इंड्यूस हुआ है और जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो लग रहा है, जो हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जो लगाया है, और ये कितना है मैग्नेटाइज हो रहा है, जो हमने फील्ड लगाया और जितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो हमारा जो सबसे ससेप्टिबिलिटी होता है वो होता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस बाय टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स, जो अप्लाई उस पर हो रहा है मैग्नेटाइजेशन फोर्स, और किस एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। अब हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिज्म की। अब जैसे कि मैंने बताया हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक डायपोल होता है, और एक मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना डायपोल मूवमेंट होगा। तो सपोज एक मटेरियल है, जब मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगी, अब मैंने क्या करा, यहां पर इसको रखा बाहर, जो एक मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वो इस डायरेक्शन में है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बाहर से अप्लाई करा इस मटेरियल पर। अब ये डायपोल मूवमेंट क्या करेंगे, ये डायपोल जो है वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है ये इस डायरेक्शन के ऑपोजिट अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट अलाइन होने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरे आप डायपोल मूवमेंट जो है वो कहां अलाइन हो गए, पीछे की तरफ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो अलाइन हो जाते हैं, इसका मतलब वो रिपेल करते हैं स्ट्रांगली किसको, मैग्नेटिक फील्ड को जो बाहर से लगा हुआ है। इसलिए ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने नहीं देता, क्योंकि ये स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है ये ऑपोजिट जो है वो अलाइन हो जाते हैं किसके, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसीलिए हमारा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जो मेरा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट जो है वो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल है वो क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं, इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। यानी कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मेरे जो डायपोल मोमेंट है वो कहां अलाइन हो जाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर मेरा मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है तो वो इसको अपने थ्रू पास होने नहीं देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। सपोज एक हल्की सी लाइन पास भी हो गई, लेकिन स्ट्रांगली जो है वो रिपेल करेगा, इस मैग्नेट के थ्रू नहीं जाएगा, वो उससे बाहर से होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जाएंगी। ये होता है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें जो इसका काय होता है ये होता है नेगेटिव। ये क्या होता है, काय होता है नेगेटिव और स्मॉल। नेगेटिव का मतलब है ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है
उसके ऑपोजिट ये अपने आप को अलाइन कर लेता है, यानी कि नेगेटिव माइनस वन, नेगेटिव में होते हैं काई की वैल्यू। एग्जाम्पल है इसका बिस्मिथ, कॉपर, लेड, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और इसमें क्या है, जो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, वो होता है हमारा जीरो। क्या होता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट? जीरो। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हर एक मटेरियल में अपने अपने डायपोल हैं, जो क्या होता है रैंडम डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, सपोज इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, कुछ वीकली अलाइन हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं होते, लेकिन ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और ये वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ से। क्योंकि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो ये जो है इनके अंदर के डाइपोल जो है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, लेकिन कम इंटेंसिटी जो होती है इनकी कम होती है। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, ये सब जो है वो दोबारा अपनी अपनी रैंडम डायरेक्शन में आ जाती है और मैग्नेटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, इसमें काय जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें भी स्मॉल वैल्यू होती है काय की। पॉजिटिव तो होता है उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं हमारे डाइपोल मोमेंट्स, लेकिन स्मॉल वैल्यू में। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके मटेरियल के अंदर से जाकर बाहर आते हैं। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है मैग्नेटिक इसकी जो परमिएबिलिटी होती है, जो म्यू आर परमिएबिलिटी है, वो भी इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या करता है, अलाउ कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने के लिए। अब क्यूरी लॉ होता है, क्यूरी लॉ ये कहता है कि मैग्नेटाइजेशन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। मतलब कि हमारा जो काय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है, जैसे सपोज मैंने बढ़ा, मेरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो जो मैग्नेटाइजेशन होने की प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए क्यूरी लॉ ये डिफाइन करता है कि जो हमारा काय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। तो अगर मैंने काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां से मैंने कांस्टेंट लगाया, तो ये आएगा मेरा, ये जो सी है मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूरीज कांस्टेंट। क्या होता है ये, क्यूरीज कांस्टेंट। और ये काय और म्यू आर, ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल पे। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, वो भी इन्वर्सली, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल जो है वो कम होती जाएगी। ये हम क्या कहते हैं, क्यूरीज लॉ। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि m इज इक्वल टू सी बी नॉट बाय टी। लेकिन क्यूरीज लॉ क्या होता है, काय इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज होगा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या करा हमने, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो उसको बढ़ा दिया, भी बढ़ाया, तो इसका मतलब हमारी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, यानी कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ गया। तो इस पोजीशन पे जब मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया, तो इसका मतलब सारे जो डाइपोल हैं वो अलाइन हुए किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इसकी अगर हमारे परफेक्टली अलाइन हो गए, अब डाइपोल जो है वो उस डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइन हो गए फील्ड की डायरेक्शन में, उसके बाद जो है वो क्यूरी लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता। क्यूरी लॉ सिर्फ वैलिड तब होता है, जैसे हमने क्या करा, टेम्परेचर जो है वो कम हुआ और हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, तो हमारा मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जब हमने फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो टेम्परेचर कम हो गया, मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया और सारे डाइपोल जो है वो अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जब सारे डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो गए, तो हमारा क्यूरी लॉ जो है वहां पर वैलिड नहीं होता। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये क्या काम आते हैं, मैग्नेट बनाने में। मैग्नेट बनाने में इसलिए काम आते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जो है ये उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। इसमें क्या होता है, डोमेन होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे डोमेन का मतलब है जैसे एक मटेरियल है, इसमें इन्होंने अपने ही डोमेन बना रखे होते हैं, अपने ही खाने बना रखे होते हैं। ये सारे जो है वो एक डोमेन में
डाइपोल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, सारे उस डोमेन के जो डाइपोल हैं वो उस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जब पहले मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें डाइपोल जो है वो रेंडमली अलाइन होते हैं, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया सपोज इस डायरेक्शन में लगाया, तो इस डायरेक्शन में लगाने पर मोस्टली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारे के सारे जो रैंडम पोजिशन पे थे वो सारे जो है वो किस डायरेक्शन में आ जाते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक डोमेन में ये क्या है, एक डोमेन है, हर एक डोमेन का एक अपना नेट मैग्नेटाइजेशन होता है। जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे हर एक डोमेन का अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन होता है, और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हर एक डोमेन जो है वो अपने को किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई है उसके डायरेक्शन में, और वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाता है। और अगर हम एक पॉइंट पे ऐसे अगर हमने हटा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तब भी ये इसमें मैग्नेटाइजेशन रहती है, तब भी ये जीरो नहीं होता, इसलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जो है वो मैग्नेटिक, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जो है वो मैग्नेट बनाने में काम आता है बहुत ही ज्यादा। इसमें जैसे सपोज मैंने मैग्नेटिक, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है ये जो है वो पॉजिटिव होती है और वेरी हाई होती है, क्या होती है, वेरी हाई, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, बिल्कुल इसके पास से होकर ही, इसके अंदर से अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो वो इस मटेरियल के अंदर से ही पास होके जाएगी, इतनी ज्यादा इसकी ससेप्टिबिलिटी और इसकी परमिएबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एल निको या फिर एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब क्या है, हमारे वो मटेरियल्स हैं जो फेरोमैग्नेट होते हैं, जो हार्ड मैग्नेट बनाने के लिए काम आते हैं। और कुछ सॉफ्ट फेरोमैग्नेट भी होते हैं जैसे होते हैं सॉफ्ट आयरन, इनमें क्या होता है मैग्नेटाइजेशन जो होता है डिसिपेयर हो जाता है, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया वैसे ही मैग्नेटाइजेशन जो है वो हट गई, ऐसे कौन से होते हैं सॉफ्ट आयरन। लेकिन ये जो है कोबाल्ट, निकल है, कॉपर, ये सब क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन उसमें तब भी रहती है जब हमने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हटा दिया। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो फेरोमैग्नेट जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी और फेरोमैग्नेटिक जो है वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, किस टेम्परेचर पे, एट क्यूरीज टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक, वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। और ये कैसे दिया जाता है, काई इज इक्वल टू सी टी माइनस टीसी, ये टीसी क्या है, हमारा क्यूरीज टेम्परेचर जिसपे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है किसका, फेरोमैग्नेटिज्म मटीरियल से पैरामैग्नेटिक मटीरियल में। अब ये तीनों जो है वो एक टेबल में डिफाइंड है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में नेगेटिव होता है तो जीरो से नेगेटिव होती है काई की वैल्यू, और म्यू आर की वैल्यू जीरो से लेकर वन तक, और म्यू जो है वो कम होता है किसके, म्यू नॉट, मतलब कि वैक्यूम के लिए जो परमिएबिलिटी है उससे कम होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो काई की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है लेकिन थोड़ी स्मॉल होती है, तो एप्सिलॉन तक होती है, म्यू आर की वैल्यू वन से लेकर वन प्लस एप्सिलॉन तक, और म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है क्योंकि म्यू नॉट जो है वो वन होता है वैक्यूम के लिए। फेरोमैग्नेटिक के लिए काई जो होता है वेरी हाई होता है और पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव और वेरी हाई, और म्यू आर की वैल्यू भी बहुत बहुत ज्यादा होती है वन से, और म्यू जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है वन से। अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस की, तो हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है, हिस्टेरेसिस बताता है रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, यानी कि हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाया है और हमारी कितनी मैग्नेटाइजेशन हुई है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है वो होता है हमारा हिस्टेरेसिस लूप। अब हम बहुत इसको डिटेल में आराम से समझते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप होता क्या है। तो हिस्टेरेसिस लूप होता है हमारा बी और एच के बीच में रिलेशन बताता है, तो यहाँ पे हमारा है बी और यहाँ पे हमारा एच। एच क्या है, हमारा जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ये जो हमारा है एक्सटर्नल फील्ड वो है, और ये है हमारा मैग्नेटाइजेशन,
क्योंकि हमारा जो हमने अभी पढ़ा बी क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस एम, तो ये हमारा एक्सटर्नल होता है और ये हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है। तो टोटल बी जो है वो है ये, और ये है हमारा एच जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब हमने क्या करा, कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, अब हमने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या करा, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसके जो इंटरनल डाइपोल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जैसे जैसे एच बढ़ा वैसे वैसे हमारा धीरे 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 क्या बढ़ा, बी बढ़ा, और एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो गया। एक पॉइंट पे आके क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। अब इससे आगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, कि जितना हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाया सारे के सारे डायपोल जो है वो अब उस डायरेक्शन में अलाइन हो गए जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इससे ज्यादा और मैग्नेटाइजेशन और नहीं बढ़ सकता। तो अब क्या हुआ, हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करा। हमने कहा कि सबसे मैक्सिमम हो गया, अब हम क्या करते हैं इसको जीरो कर देते हैं, मैग्नेटाइजेशन को जीरो कर देते हैं। तो हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करी। जैसे ऐसे कम हुआ तो हमने ये देखा कि अब जो ग्राफ है वो सेम वही पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा बल्कि डिफरेंट पाथ ले रहा है ग्राफ। और अब हमारा यहां पर एच हमने यहां पर जीरो कर दिया, लेकिन हमारा बी जो है वो जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया, बी जो है वो नॉट जीरो है जब एच जीरो है। हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया लेकिन अभी भी मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को, सपोज ये ओ है और ये है ए, तो ओ ए को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ मैग्नेटाइजेशन बची है मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। अब हमने कहा कि नहीं, जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन बची है हमने उसको भी हटाना है, हमें बिल्कुल जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड हमने रिवर्स डायरेक्शन में लगाया तो अब क्या हुआ, ये घटने लग गया हमारा जो बी है, ये घटते 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 इस पॉइंट पे आकर अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटने लग गया, और घटते घटते जो है वो इस फील्ड इस पॉइंट पर आकर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये पॉइंट जहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, मतलब ओ बी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। कोरेसिविटी का मतलब है कि अब हमारा मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, कब, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया वैसे वैसे हमारा क्या हुआ, ये घटने लग, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लग गया। मैग्नेटाइजेशन बढ़ के फिर से एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहां पर इससे ज्यादा मैग्नेटिक, अब सारे डायपोल मोमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया था। तो अब क्या हुआ, आपने कहा फिर से इसको जीरो करना है, फिर से हमने क्या करा, फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, और फिर से अब यहां पर आके फिर से हमारा मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो गया, लेकिन एच जो है वो जीरो नहीं हुआ। फिर से हमने क्या कहा कि उसको एच को हमें क्या करना है, बढ़ा के हमें मैग्नेटाइजेशन जीरो करना है। हमने फिर से मैग्नेटाइजेशन कर दी जीरो, और फिर से ये अगेन वापस आया। तो अब हम क्या करते हैं, ये फिर से जब हमने फिर से दोबारा ये सबको रिपीट करा तो ये स्टेरेसिस लूप जो है वो फिर से अपना पाथ जो है वो रिट्रेस करेगा। एक बार हम इसको दोबारा समझते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे हमारा मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। अब एक पॉइंट पे आकर यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, यहाँ पे सैचुरेट हो गया, सारे डाइपोल जो है वो ऑल डाइपोल जो है वो अलाइन हो गए किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब सारे ऑपोजिट डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करा हमने, अब हमने कहा कि अब हम करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम। अब जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करा वैसे वैसे हमारा मैग्नेटाइजेशन कम होने लग गया। मैग्नेटाइजेशन कम होते 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 जैसे ही हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, हमने देखा कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं हुआ, मतलब हमारा एच जीरो हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ लेकिन बी जो है वो हमारा जीरो नहीं हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं हम इसको, रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल।
कि अगर हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा भी दिया तब भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बचेगा मटेरियल के अंदर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब हमने बोला कि मुझे ये रिटेंटिविटी जो अब हमने हमारे अंदर जो भी मैग्नेटाइजेशन था मुझे अब उसको भी खत्म करना है, तो मैंने क्या कहा कि चल हमने मैग्नेटिक फील्ड तो हटा दिया, अब मुझे इसको खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। जिस डायरेक्शन में हमने पहले लगाई थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फिर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो अब धीरे 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 फिर से क्या होने लग गया, मैग्नेटाइजेशन कम होते होते अब क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अब वो जीरो किस पे हुआ, कुछ नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब उस कुछ वैल्यू पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ होगा, मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। इसको बोलते हैं हम कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, कोरेसिविटी। इसका मतलब वो वैल्यू जहां पर हमारा मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाए, जहां पर मैग्नेटाइजेशन मटीरियल का स्पेसिमिन का जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। अब हमने कहा कि हमने फिर से उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए तो सारे डायपोल अब क्या है उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता गया और एक पॉइंट पे आके फिर से क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। यहां पर फिर से क्या हुआ, सैचुरेट हुआ। अब सैचुरेशन के बाद फिर से हमने घटाया मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिर से घटाया और एक पॉइंट पे आकर जीरो हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट फिर भी अभी भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या हुआ, फिर से रिटेंटिविटी हुई। अब फिर से हमने क्या करा, फिर से हमने कहा कि इसको भी घटाना है, अब हमें जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन उसको भी कम करना है, तो हमने क्या करा फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, अब फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो फिर से ये मैग्नेटाइजेशन खत्म होते होते जीरो हो गई इस पॉइंट पर। अब फिर से ये हमने क्या कहा कि अब फिर से हमारा मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो गई, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उस स्पेसिमिन पे अभी भी एक्सटर्नल फील्ड लगा हुआ है। अब फिर जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिर से मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे आगे फिर से सैचुरेट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, पूरा एक लूप जो है वो हिस्टेरेसिस का पूरा हो गया। इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। हिस्टेरेसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड का मतलब है कि बी जो है वो हमेशा लैग करता है किसको, एच को, हमेशा वो उससे पीछे ही रहता है। हिस्टेरेसिस लूप का मतलब है लैगिंग बिहाइंड, हमेशा उसके पीछे ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और अगर हमें इस हिस्टेरेसिस लूप से ही हम क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस हिस्टेरेसिस लूप के एरिया को देख के या फिर उसकी रिटेंटिविटी या कोरेसिविटी को देख के ही हम चूज करते हैं कि कौन से मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनेंगे और कौन से मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेट बनेंगे। अब इसमें जो है वो हिस्टेरेसिस लूप में क्या होता है कि बी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एच के, बी जो है वो डिपेंड करता है एच पर, कि हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि एच कैसा था, उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है बी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हिस्ट्री क्या थी, उसके हिसाब से मैग्नेटाइजेशन जो है वो होगी। अब हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं कि अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया फिर भी उसके अंदर जो है वो मैग्नेटाइजेशन रहे, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया फिर भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहे, उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट होने के लिए परमानेंट मैग्नेट होने के लिए सबसे पहले उस मटेरियल की होनी चाहिए हाई कोरेसिविटी और होना चाहिए हाई या फिर लार्ज एरिया या फिर हाई परमिएबिलिटी यानी कि म्यू भी है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए और लार्ज एरिया हिस्टेरेसिस लूप का होना चाहिए या फिर हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए हिस्टेरेसिस लूप का लार्ज एरिया, ये होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो मेरी जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी खत्म हो जाए। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए
इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए लो रिटेंटिविटी और लो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। लो रिटेंटिविटी और लो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप तो वो क्या होगा हमारा, या फिर हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी होना चाहिए, लो रिटेंटिविटी, हाई परमिएबिलिटी और हिस्टेरेसिस लूप का एरिया हाई, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए जो हमारा जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्योंकि उसके अंदर लो रिटेंटिविटी होती है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने यहां पर बनाया एक, ये मैंने सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप बताया और मैंने यहां पर ये बनाया स्टील का, तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि विच मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इन दोनों में से प्रेफर्ड होगा, तो परमानेंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पहली तो हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और लार्ज एरिया होना चाहिए हिस्टेरेसिस लूप का। तो इसमें जो सॉफ्ट आयरन है इसमें एरिया तो लार्ज है, लेकिन बाकी हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी किसमें है, स्टील में है, तो इसलिए जो विनर होगा इसका वो क्या होगा, स्टील। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो यूजफुल होगा वो क्या होगा, स्टील। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रो मैग्नेट विच वन इज प्रेफर्ड, तो कौन सा प्रेफर्ड होगा, जहां पर लो रिटेंटिविटी होगी, लो रिटेंटिविटी होगी और क्या होगी, हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी का मतलब है कि सब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सब उसके अंदर से जाए, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन जो है वो किस लिए यूज होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज होता है, और जो स्टील है वो किस में यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट की वजह से, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये जो है वो हमें बताती है कि वो मटेरियल कैसे यूज होगा, एज अ परमानेंट मैग्नेट यूज होगा, एज अ इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज होगा। तो इस तरीके से हमने हिस्टेरेसिस लूप देखा, सीखा हमने कि कैसे फेरोमैग्नेट जो मटेरियल जो है वो यूज किए जाते हैं एज टू मेक मैग्नेट्स या टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।